हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल UIS पर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कि आपको बताएंगे वर्किंग ऑफ प्रेशर स्विच विद जैक। मतलब कि हम यहाँ पर हाइड्रोलिक जैक का एक सर्किट आपको एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ही सिंप्लीफाइड, बहुत ही ईजी सर्किट हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाया हुआ है हाइड्रोलिक जैक का। ये हमारा मोटराइज ऑपरेटेड हाइड्रोलिक जैक है, मैनुअल पंप वाले नहीं है। तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक मोटर से पंप को सप्लाई आएगी और ऑयल का फ्लो होगा। तो देखिए, सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं प्रेशर स्विच की, तो हमने यहाँ पर सर्किट में एक बॉक्स की तरह बनाया हुआ है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड। जैसा कि हमने बताया, बिल्कुल सिंप्लीफाइड हमने सर्किट बनाया है आपको इजी वे में समझाने के लिए। बट जब हम एक्चुअल इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक सर्किट वगैरह रीड करते हैं, तो उसमें हमको यहाँ पर इस तरीके का एक सिम्बॉल दिखता है जो कि इसका टेक्निकल सिम्बॉल होता है। तो अगर कहीं भी आपको हाइड्रोलिक सर्किट में इस तरीके का आपको अगर सिम्बॉल दिख रहा है, तो इट मीन्स कि वो प्रेशर स्विच है। तो आपको अगर हाइड्रोलिक सर्किट कभी भी रीड करें, तो आप ये सिंबल को प्रेफर करेंगे प्रेशर स्विच को समझने के लिए। तो हम अपने सर्किट में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने बताया कि ये हाइड्रोलिक जैक का बिल्कुल सिंप्लीफाइड हमने एक सर्किट बनाया हुआ है। देखिए, यहाँ पर एक हाइड्रोलिक जैक है, इस पर लिखा हुआ है 10 टन। मतलब इसकी 10 टन मैक्सिमम कह रहे हैं लिफ्टिंग कैपेसिटी है, मतलब इससे ज़्यादा वेट उठाने के लिए डिज़ाइन नहीं है। तो हम यहाँ पर प्रेशर स्विच का यूज़ एज अ सेफ्टी डिवाइस कर रहे हैं इसमें, कि हमारा जब भी 10 टन से ज़्यादा लोड होगा, तो ये प्रेशर स्विच अनहेल्दी कर देगा हमारे सर्किट को और उससे ज़्यादा वेट उठाने नहीं देगा। तो किस तरीके से वर्क करेगा हम आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर ये हमारा ऑयल पंप है, ये हमारा ऑयल फ्लो करना स्टार्ट होगा। अगर आइडल कंडीशन में है, तो क्लोज पोर्ट होने की वजह से जो ऑयल प्रेशर, जो हमारा सिस्टम का ऑयल प्रेशर बढ़ेगा, उसको ड्रेन करने के लिए यहाँ पर रिलीफ वाल्व दिया हुआ है। अब जब भी हमारा आपको अगर वेट लिफ्ट करना है, तो हमने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर देखिए टॉगल स्विच दिया हुआ है। यहाँ पर अप और डाउन दो पोजीशन दिखा रही है, हमको इसका टॉगल स्विच का पोजीशन चेंज करना होगा। तो अगर हम इसको अप पोजीशन की तरफ ऐसा इसके टॉगल स्विच को मूव करेंगे, तो क्या होगा, जब भी हमारा सर्किट जब हम चार्ज कर रहे हैं, तो जब हमारा हमको लिफ्ट करना है हाइड्रोलिक जैक से वेट लिफ्ट करना है, तो अप साइड जैसे ही हमने किया, तो एक टॉगल स्विच से कमांड जाएगा प्रेशर स्विच को, और वो प्रेशर स्विच के थ्रू हो करके हमारे जो DCV है, DCV का ए साइड जो है वो एनर्जाइज होगा। मतलब यहाँ पर सप्लाई थ्रू टॉगल स्विच से डायरेक्ट इसमें नहीं आएगी, थ्रू प्रेशर स्विच आएगी। तो प्रेशर स्विच का क्या काम है कि हमने उसको जितने भी प्रेशर पे सेट करके रखा है, उससे ज़्यादा वो प्रेशर अगर जब भी होगा तो अनहेल्दी हो जाएगा। तो होगा क्या कि हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया कि 10 टन वेट उठाने के लिए हमको इस सर्किट में, पर्टिकुलर सर्किट में कितने प्रेशर की आवश्यकता है, उससे ज़्यादा प्रेशर नहीं जाना चाहिए। तो उसको और सिस्टम उस तरीके से सिस्टम को सेव करने के लिए ये हमारा प्रेशर स्विच लगा। सपोज करिए कि यहाँ पर 100 बार हमारा प्रेशर उसको रिक्वायर्ड है, तो 100 बार में हमने इसको सेट कर दिया। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर एडजस्टिंग स्क्रू दिया हुआ है। तो प्रेशर स्विच दोनों टाइप के आते हैं, फिक्स टाइप के भी आते हैं और वेरिएबल टाइप के भी आते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी सेटिंग को वेरी कर सकते हैं, उसके लिए एडजस्टिंग स्क्रू दिया हुआ है जिस तरीके से आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर हम प्रेशर सेट कर दिए 100 बार पर। अब जैसे ही हमने इसका अप टॉगल स्विच को अपसाइड ऑन किया, तो उससे सप्लाई आई प्रेशर स्विच में, और अभी जब जब लोड उठाना स्टार्ट करेगा और 10 टन से लोड जब तक कम रहेगा, तब तक प्रेशर भी 100 बार से कम रहेगा। तो यहाँ पर ये हेल्दी रहेगा, और हेल्दी जब रहेगा तो यहाँ पर सप्लाई हमारा DCV को देगा। तो DCV हमारा एनर्जाइज रहेगा, तो हमारा देखिए जैसा ये साइड एनर्जाइज होगा, तो क्या होगा, प्रेशर पोर्ट हमारा इस लाइन से कनेक्ट हो जाएगा, और ये हमारा हाइड्रोलिक जैक के कैप एंड साइड में ऑयल का प्रेशर देना स्टार्ट करेगा और वेट लिफ्ट करना स्टार्ट कर देगा। सेम टाइम में इसी लाइन में हमारा प्रेशर स्विच भी कनेक्ट है, जो कि हमको यहाँ पर इसका सेंस देता रहेगा कि हमारा एक्चुअल प्रेशर अभी सिस्टम का कितना चल रहा है। जैसे ही अगर मान लीजिए हमने 10 टन वेट उठाना स्टार्ट किया है, तो 10 टन वेट उठाया, अगर सडन कोई जर्क आता है या कुछ उस पर एक्स्ट्रा लोड आता है, उसके कारण यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर बढ़ेगा, अगर सपोज करिए 10 टन से हमको 11 टन अगर उस पर कोई जर्क की वजह से या एक्स्ट्रा लोड की वजह से 11 टन लोड उस पर आया, तो जैसे ही हमारा सिस्टम का प्रेशर बढ़ेगा, 100 बार से ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि 100 बार ही रिक्वायर्ड है 10 टन लोड उठाने के लिए। तो जैसे ही 100 बार से ऊपर जाएगा, तो ये प्रेशर स्विच अनहेल्दी हो जाएगा। तो क्या होगा, हम भले ही यहाँ पर टॉगल स्विच को अप साइड पे कमांड दे करके रखे हैं, तो टॉगल स्विच जो सप्लाई दे रहा है प्रेशर स्विच को, प्रेशर स्विच आगे के लिए सप्लाई कट ऑफ कर देगा अनहेल्दी हो करके, और हमारा ये DCV है आइडल हो जाएगा। तो फिर हमारा जब आइडल हो जाने के बाद, हमको जो हमने ये वेट लिफ्ट करके रखा है, उसको हम डाउन करने के लिए अब यहाँ पर टॉगल स्विच का डाउन साइड ऑपरेट करेंगे।
और जब डाउन साइड ऑपरेट होगा तो यहाँ पर हमको प्रेशर की जरूरत है, क्योंकि हम यहाँ पर वेट को डाउन ही कर रहे हैं, वेट का जो जो भी वेट है हमारा हाइड्रोलिक जैक के ऊपर उसको रिलीज ही कर रहे हैं, तो वहां पर हमको प्रेशर स्विच की जरूरत नहीं है। तो जैसे हम यहाँ पर डाउन साइड ऑपरेट करेंगे तो ये टॉगल से सप्लाई निकल के डीसीबी में जाएगा, और डीसीबी जैसे जाएगा ये साइड हमारा लाइन में आएगा, तो ये प्रेशर लाइन हमारी जाकर के इस लाइन से कनेक्ट हो जाएगी, और ये लाइन हमारा हाइड्रोलिक जैक के रॉड एंड साइड में गया, और उसको प्रेशर दे करके हमारा ये हाइड्रोलिक जैक को डाउन करना स्टार्ट कर देगा। जैसे डाउन हो जाएगा हमारा जो उस पर जो भी वेट है, तो हमारा सिस्टम पूरी तरीके से सेफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने आपको यहाँ बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीके से एक छोटा सर्किट बना करके एक्सप्लेन किया है प्रेशर स्विच का यूज किस तरीके से किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल सर्किट में और भी कुछ अलग अलग जगहों पर भी कुछ अलग अलग पर्पज के लिए भी प्रेशर स्विच का यूज किया जा करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और किसी को भी और इसके बारे में कुछ और डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए, हम उसको आपको उस डाउट को दूर करने की जरूरत कोशिश करेंगे। और हमें इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।